हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। नमस्कार, मेरा नाम संजय खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्श न्यूज़। और अर्श न्यूज़ की ज़्यादा ताज़ा खबरें देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। हम इस समय मौजूद हैं किंग्सवे कैंप न्यू पुलिस लाइन में, जहां दिल्ली पुलिस का क्षेत्रवा स्थापना दिवस मनाया गया। हम बता देंगे इस क्षेत्रवे स्थापना दिवस के अंदर मुख्य अतिथि देश के गृह राज्य मंत्री अमित शाह पहुँचे, जहाँ सबसे पहले जो परेड निकाली गई उनका मनोबल बढ़ाया। और इसमें हम बता दें कि इसमें गुजरात से एक नई एक टेक्नोलॉजी इसमें शामिल हुई, जो कि फॉरेंसिक वाहन इसमें शामिल हुए हैं। वहीं देश के गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा भी उन्होंने उद्घाटन किया। अब जो 15 दिन लगते थे, अब वो 5 दिन में वेरिफिकेशन होगी, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से। वहीं हम आपको बता दें कि जो 76 साल के अंदर जितने भी दिल्ली पुलिस में जो जवान शहीद हुए थे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। खास तौर पर जो दिल्ली पुलिस के ASI स्वर्गीय शंभू दयाल, जो एक स्नेचर को पकड़ने गए थे और उस स्नेचर ने उनको चाकू से वार कर दिया था, जिनकी उनकी शहादत हो गई थी, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये न्यू पुलिस लाइन है, यहाँ पर तमाम दिल्ली के पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। और देख सकते हैं, और ये सामने वो फॉरेंसिक लैब है जो उद्घाटन किया है, दिल्ली पुलिस को जो समर्पित किया हुआ है। और इसके अलावा हम बता दें कि CCTV, खास तौर पर CCTV की एक वाहन इसमें दिखाया गया, जिसमें CCTV कैमरे लगे थे, जो कि दिल्ली पुलिस आजकल CCTV फुटेज के मदद से और जो आरोपियों को गिरफ्तार करती है। वहीं हम आपको ले चलते हैं शाहदरा थाना, सिविल लाइन्स थाना और ग्रेटर किला थाना, यानी कि 2022 का सर्वश्रेष्ठ जो प्रथम जो थाना है वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का सिविल लाइन्स थाना है, जिसको फर्स्ट अवार्ड दिया गया है। वहीं शाहदरा जिला का शाहदरा थाने को सेकंड अवार्ड दिया गया है। और साउथ दिल्ली का ग्रेटर कैलाश थाना है, जिसको तीसरा रैंक मिला है। इन तीनों को ट्रॉफी दी गई है। दिल्ली से संजय खान।